मैं आपकी बात सर समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टिवेट जो करना है, कार्ड करना है या कुछ भी करना है, वो मैं खुद कर लूँगा, अपने आप से कर लूँगा सर। मैं उसको डाउनलोड करके जो भी आपका RBL का कार्ड है या जो भी है उसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा सर उसको। जी सर एक्टिवेट कर लीजिए और अभी लाइफ टाइम के लिए कार्ड को मैं फ्री करने के लिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आपका चार्ज ना कटे सर एक्टिवेट करने के बाद। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपकी तरफ से जो कार्ड प्रोवाइड करवाए गए हैं उसका मेरे पास जो लिंक वगैरह सारा आया हुआ है उसको मैं अपने आप उसको लिंक को डाउनलोड कर लूँगा और उसमें जो कुछ होगा अगर मैंने यूज़ करना हुआ तो उसको यूज़ कर लूँगा सर मैं। सर आपको एप्लीकेशन दिया होगा RBL माई कार्ड, उसमें आपके एक्टिविटी के लिए दी गई है ताकि आप उसमें हिस्ट्री देख पाएंगे, अवेलेबल बैलेंस जो है शो करते हैं उसमें, ठीक है। और आपका चार्जेबल डीएक्टिवेट लिमिट इंक्रीज कार्ड ब्लोकेट का ऑप्शन ये RBL सुपर कार्ड में आती है, ठीक है। इसके लिए सर ये लाइफ टाइम के लिए कार्ड फ्री कर लीजिए एप्लीकेशन से ताकि आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके चार्ज ना लगे। सर बात ऐसी है ना, चार्ज लगेगा मेरे को लगेगा सर, बात समझिए। ओके सर, वो आपको तो परेशानी, सर मेरी बात सुन लो, मैंने आपको पहले भी शायद बात किया था, एक बार आपका पहले भी फ़ोन आया था, मैंने आपको ये बोला था कि सर जो भी चार्जेज लगे मैं अपने आप देख लूँगा। अब आप कह रहे हो कि कार्ड यूज़ क्यों नहीं किया, पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है कि यूज़ क्यों नहीं किया। आपने चीज़ दे दी, चाहे वो ICIC है, चाहे HDFC है, एक्सिस है, आपका है, कोई भी है, आपने चीज़ दे दी, हम उसको यूज़ करें या ना करें ये तो हमारी दिमाग पे है ना कि हमने की चीज़ यूज़ करनी है कि नहीं करनी है। तो आप हमको फोर्स तो कर नहीं सकते कि सर उसको यूज़ करो। आप मेरे हिसाब से आपका तीसरा फोन है, अब ये कह रहे हो कि उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, पहली बार तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। अब मेरे को कोई फ़ोन लगा के कहे कि भाई आप बैंक में पैसे जमा क्यों नहीं करवा रहे, तो वो क्वेश्चन ही ना बनेगा। और पैसा बैंक में पड़ा है, आप कह रहे हो उसको बैंकों में से पैसे निकाल क्यों नहीं रहे। नहीं सर मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनो ना। अगर आपको मैंने एक बार आपने बोल दिया, उस दिन बोला आपका हम कार्ड ब्लॉक कर देंगे, मैंने क्या बोला आपको कर दो, आप कह रहे यूज नहीं कर रहे हम खत्म कर देंगे, मैंने कहा कर दो, तो फिर आप दोबारा कॉल कर रहे हो, आपने कहा हम आपको कार्ड ब्लॉक कर देंगे, मैं कहा भाई कर दो, जितनी ही जरूरत है भाई ऐसे है, जितनी जरूरत सुनो पहले जितनी जरूरत हमारे को है उससे कहीं ज्यादा जरूरत बैंक वालों को है, राइट। मैं वही कह रहा हूँ, जितनी जरूरत हमें है उससे कहीं ज्यादा जरूरत आपको है, ठीक है ना। हमें अच्छा लगेगा हम कार्ड यूज करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड वालों का आपका सिस्टम बार बार फोन करने का, अब ये क्या है क्या नहीं है, क्या फ्रॉडबाजी धंधाबाजी लगा रखा है ये जनता जानती है, इसलिए प्लीज काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, खास करके ये जो क्रेडिट कार्ड वालों की तरफ से फोन करते हो या ऐसे करते हो, ये प्लीज काइंडली लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और लोगों का नुकसान हो रहा है आपकी तरफ से, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है। हम तो कह ही सकते हैं क्योंकि आप 10-20 हज़ार 5 हज़ार के उसके पीछे किसी बंदे का नुकसान कर देते हो, वो बंदा सारे साल में जितना पैसा कमाता आप एक घंटे में ले जाते हो उनका। सॉरी भाई जी, गलत नहीं होगा भाई साहब, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे आप। मेहरबानी नहीं कर रहा मैं आपको, अब आगे ना लाइन पे माफी नहीं मांगना चाहते हो, अब आप माफी क्यों मांगोगे मेरे को ये बताओ भाई। आप एक मिनट, भगवान को जान देनी है, पहली बात सुनो मेरी, मेरी बात सुनो, भगवान को जान देनी है, कट गया ना फोन। सो दोस्तों मैं तुहानू ये समझाना चाहता सीगा कि नंबर भी आया हुआ, जेडे चोर ठग ने उन्होंने नंबर भी मैं डिस्प्ले करूंगा, आ नंबर है, आ नंबर तो कॉल आ रही है। सो मैं सारे नूं बेनती करना है कि प्लीज़ इस तरह की जिहड़ियां कॉल्स आंदियां इहनूं तुसीं डिसलाइक करया करो, इन्हां दी थोड़ी गल सुनया करो और बंद कर दिया करो। हुण दुबारे क्रेडिट कार्ड तो दुबारे बार बार मैसेज भी आ रहे हैं, सो मैं तुहानूं दसदा कि जिहड़ा हुण मैसेज आया वह बजाज फाइनांस वालों आया, आ देखो बजाज फाइनांस वालों आया, तो यह तुहानूं देखण लगूगा कि बजाज फाइनांस वाले ने ही किया, तुहानूं लगूगा कि ICICI बैंक वाले ने ही किया। सो इस तरह के जड़े ने फ्रॉड तो बचो, असं तो तुहानूं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। एक खास गल जिहड़ी तुहानूं इस मैसेज राही असीं दसना चाहते हैं कि जदों भी तुसीं कोई आपका कार्ड, क्योंकि किसी भी मतलब मान लो बैंक का आपां यूजर हैगे हैं, तो सब तो पहला जिस तरह की कॉल आती है तो अपने मैनेजर साहब या उत्थे दे जिहड़े रिप्रजेंटेटिव ने
उन्होंने तुम गल करके काइंडली उन्होंने तो पूछना कि सर सू कॉल आई है कि असं की करिए मैनुअली सही तरीके समझा सकते हैं कि असी कार ब्लॉक करना या नहीं करना, क्योंकि मैनू ये तकरीबन कॉन्टीन्यूसली तीजी कॉल आई है पिछले 3 दिन तो मैं नहीं चाहता कि चलो साढ़ा तो एक वैलफेयर लगा लो या एक लोगों को समझाने का एक जरिया हैगा कि प्लीज़ काइंडली इस तरह के जोड़े फ्रॉडी ने उन्हों तो बचो। वध तो वध वीडियो शेयर ता करके कहने कि एक तुहाडे अंगूठा दबन एक तुहाडे लोग साडी गल कहे नाल जेकर किसी 10-20-50 परिवारों को इस तरह की गल पहुँच जाती है और अवेयर हो जाते हैं तो मैं लगता कि शायद सानू लोग गालां नहीं कढ़नगे तो प्यार करनगे। तो प्यार दी भुखे असी असी चाहते हैं कि वध तो वध इस वीडियो शेयर करो ता जो किसी का बचाव हो सके, क्योंकि जो एक बार अकाउंट के चाहे वह 500, 5000 या 5 लाख कोई भी निकलता है तो सारी ता उम्र बंदा अपने आप में कोसदा रहता कि यार मैं ये काम छोटा जा जिहड़ा छोटी जी गलती आपका बैंक अकाउंट ऐसे हो जाएगा सीज हो जाएगा आप हमको ये बता दो, क्योंकि लेडीज़ खास करके इस काम के फसदी हैं। तो बेनती है कि इस तरह के फ्रॉड तो बचो और इस तरीके गल कर इस तरीके मैसेज भेजेंगे कि तुम इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा अंदर तक डुब जाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो सारे हाथ बन के बेनती है कि वीडियो में वो शेयर कर दो घर घर तक पहुँचाओ ता जो आप अवेयर हो सकी और इस चीज़ों तो फ्रॉड तो बचा जा सके। मनीष पांधी बठिंडा।